हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ये स्कूल। माय नेम इज मनीष एंड टुडे वी आर हैविंग वीडियो नंबर वन ऑफ द चैप्टर स्ट्रक्चर ऑफ द एटम। सो हमने क्लास नाइन्थ साइंस के 3 चैप्टर्स फिनिश कर लिए हैं और आज 4th चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं और आज उसका वीडियो नंबर वन स्ट्रक्चर ऑफ द एटम इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आप इसे ध्यान से पढ़िएगा। सो टुडे वी विल डिस्कस द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स। अब हमने जैसे डाल्टन की थ्योरी के बारे में पिछले चैप्टर में थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन लिया था, अब हम आज उसको डीप में देखेंगे। तो आज हम इस चैप्टर में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की डिस्कवरी कैसे हुई उसको जानेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। एसेंशियली द स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम कंप्राइजेस प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स। मतलब एक एटम में प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है जिसको मिला के न्यूक्लियस बनता है, और इलेक्ट्रॉन उसके आउटर शेल में होता है। These basic components provide the mass and charge of the atoms. मतलब इनकी वजह से एटम पे चार्ज आता है। जैसे कि नंबर ऑफ प्रोटॉन अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के इक्वल हैं तो उन पे न्यूट्रल चार्ज होगा, मतलब कि जीरो चार्ज। और अगर प्रोटॉन ज़्यादा है तो पॉजिटिव चार्ज होगा, और अगर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है तो नेगेटिव चार्ज होगा। द न्यूक्लियस कंप्राइजेस प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन विद द इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटिंग अराउंड दैट। जॉन डाल्टन कंसिडर्ड एटम टू बी एन इंडिविजिबल एंटिटी। हमने देखा था कि जॉन डाल्टन ने एटम को एक इंडिविजिबल एंटिटी देखा था, मतलब जिसको फर्दर डिवाइड नहीं किया जा सकता। लेकिन ये कॉन्सेप्ट बाद में जाके गलत हो गया था, क्योंकि हम एटम को डिवाइड कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में। सो बट हिज कॉन्सेप्ट हैड टू बी डिस्कार्डेड एट द एंड ऑफ द 19th सेंचुरी व्हेन साइंटिस्ट थ्रू एक्सपेरिमेंट्स वर एबल टू फाइंड एक्जिस्टेंस ऑफ चार्ज्ड इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रल पार्टिकल न्यूट्रॉन्स इन द एटम। दीज पार्टिकल्स वर कॉल्ड सब एटॉमिक पार्टिकल्स। मतलब इन पार्टिकल्स को सब एटॉमिक कहते हैं, मतलब जैसे एक एटम में जो 3 पार्टिकल होते हैं उन्हें हम सब एटॉमिक कहते हैं। अब हम देखते हैं डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। जे जे थॉमसन डिस्कवर्ड द एग्जिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बाय कैथोड रे एक्सपेरिमेंट। मतलब डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन किसने किया था? जे जे थॉमसन ने। नाम याद रखिएगा। कैसे किया था? कैथोड रे एक्सपेरिमेंट से किया था। He did this using a cathode ray tube, which is a vacuum sealed tube with a cathode and anode on the end that created a beam of electron traveling towards the other end of the tube. The air inside the chamber is subjected to high voltage and electrically flows through the air from the negative electrode to the positive electrode. मतलब electron negative electrode से positive electrode की तरफ जा रहा था air के through. द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द कैथोड रेस, जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं कैथोड, जो कैटायन की तरफ माइग्रेट करते हैं, और कैटायन हम जानते हैं पॉजिटिवली चार्ज होते हैं और एनायन नेगेटिवली चार्ज होते हैं। तो कैटायन पॉजिटिवली चार्ज होते हैं तो कैथोड रेस उनकी तरफ जाते हैं, तो कैथोड रेस में क्या हुआ, फिर नेगेटिव चार्ज हुआ, तभी तो पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है। डू नॉट डिपेंड अपॉन द मटेरियल ऑफ इलेक्ट्रोड्स एंड द नेचर ऑफ द गैस प्रेजेंट इन द कैथोड रे ट्यूब। मतलब ये कैथोड रे ट्यूब के अंदर जो नेचर ऑफ गैस प्रेजेंट है उस पर नहीं डिपेंड करते हैं। दिस द एक्सपेरिमेंट शोड दैट एटम वाज नॉट अ सिंपल इंडिविजुअल पार्टिकल एंड कंटेंट एटलीस्ट वन सब एटॉमिक पार्टिकल द इलेक्ट्रॉन। मतलब इस एक्सपेरिमेंट से हमें पता चला, ये जो कंक्लूजन ऊपर लिखे हैं उनकी वजह से हमें पता चला कि एटम में एक सब एटॉमिक पार्टिकल तो कोई और है जिसे हम इलेक्ट्रॉन कहते हैं। मतलब जे जे थॉमसन के टाइम तक एक सब एटॉमिक पार्टिकल डिस्कवर हुआ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन्स की कुछ प्रॉपर्टीज देखते हैं। इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिवली चार्ज्ड सब एटॉमिक पार्टिकल्स ऑफ एन एटम। द मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज कंसिडर्ड टू बी नेग्लिजिबल एंड चार्ज इज -1। मतलब इलेक्ट्रॉन का एटम का ही मास बहुत ही कम होता है, तो उसमें उसके भी सब एटॉमिक पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन का मास तो एकदम नेग्लिजिबल ही होगा। द सिंबल फॉर एन इलेक्ट्रॉन इज -। मतलब -, जहाँ लिखा हो मतलब वो इलेक्ट्रॉन को डिनोट कर रहा है। इलेक्ट्रॉन्स आर एक्सट्रीमली स्मॉल। मतलब बहुत छोटे होते हैं। दे आर फाउंड आउटसाइड द न्यूक्लियस। मतलब वो न्यूक्लियस में नहीं होते हैं, वो आउटर ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करते रहते हैं। कुछ फैक्ट देखते हैं इलेक्ट्रॉन्स के। चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन पे -1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम। कूलम चार्ज की यूनिट को कहते हैं। और मास होता है इसका 9.1 × 10⁻³¹ kg। सोचिए 10⁻³¹। मतलब ऑलमोस्ट जीरो। अब प्रोटॉन की डिस्कवरी देखते हैं। द डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन इज क्रेडिटेड टू अर्नेस्ट रदरफोर्ड। मतलब रदरफोर्ड को प्रोटॉन की डिस्कवरी के लिए क्रेडिट किया जाता है। हु प्रूव्ड दैट न्यूक्लियस ऑफ द हाइड्रोजन एटम इज प्रेजेंट इन द न्यूक्लियाई ऑफ ऑल अदर एटम इन द ईयर 1917। मतलब ये कहना चाह रहे थे कि जो हाइड्रोजन एटम का न्यूक्लियस है वो बाकी एटम्स में भी प्रेजेंट होता है।
और हाइड्रोजन एटम के न्यूक्लियस में एक ही तो प्रोटॉन होता है, उसमें न्यूट्रॉन तो होता नहीं है। बेस्ड ऑन द कंक्लूजन ड्रॉन फ्रॉम गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट, इन्होंने गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट किया था जिसमें एक लेजर बीम को डालते हैं और कुछ डेविएट होती हैं, कुछ सीधी निकल जाती हैं, कुछ वापस आ जाती हैं। रदरफोर्ड इज ऑल्सो क्रेडिटेड विद द डिस्कवरी ऑफ एटॉमिक न्यूक्लियस, मतलब इन्होंने ये भी डिस्कवर किया था कि जो प्रोटॉन है वो न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है। अभी न्यूट्रॉन ने डिस्कवर हुआ, लेकिन इन्होंने ये फाउंड कर लिया था कि हाँ एक न्यूक्लियस होता है जिसके अंदर एक प्रोटॉन है। कुछ फैक्ट देखते हैं प्रोटॉन के, चार्ज ऑन प्रोटॉन होता है प्लस 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम। अब चार्ज ऑफ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन सेम होता है, बस साइन का डिफरेंस है। देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पे चार्ज -1.6 था, प्रोटॉन पे चार्ज +1.6 है क्योंकि ये पॉजिटिवली चार्ज्ड है। मास ऑफ प्रोटॉन होता है 1.673 × 10⁻²⁴ ग्राम्स, दैट इज मास ऑफ प्रोटॉन इज 1840 टाइम्स मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब इलेक्ट्रॉन के मास से 1840 टाइम्स भारी होता है प्रोटॉन। अब ये देखते हैं हम, अर्नेस्ट रदरफोर्ड ऑब्जर्व दैट हिज साइंटिफिकेशन डिटेक्टर्स डिटेक्टेड हाइड्रोजन न्यूक्लियाई व्हेन अ बीम ऑफ अल्फा पार्टिकल्स वॉज शॉट इनटू द एयर। आफ्टर इन्वेस्टिगेटिंग फर्दर रदरफोर्ड फाउंड दैट दीज हाइड्रोजन न्यूक्लियाई वर प्रोड्यूस फ्रॉम द नाइट्रोजन एटम्स प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर, मतलब इसने पाया कि एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन होता है, जो कम मेजरली होता है एटमॉस्फेयर में, उसमें भी हाइड्रोजन के न्यूक्लियस थे। ही देन प्रोसीडेड टू फायर बीम्स ऑफ अल्फा पार्टिकल्स इनटू प्योर नाइट्रोजन गैस एंड ऑब्जर्व दैट अ ग्रेटर नंबर ऑफ हाइड्रोजन न्यूक्लियाई वर प्रेजेंट। अब हाइड्रोजन में तो न्यूक्लियस में एक ही प्रोटॉन था, लेकिन इसने पाया कि नाइट्रोजन में हाइड्रोजन से ज्यादा न्यूक्लियस वाले प्रोटॉन थे। He concluded that the hydrogen nuclei originated from the nitrogen atom, proving that the hydrogen nucleus was a part of all other atoms. This experiment was the first to report a nuclear reaction given by the equation 14 times nitrogen plus alpha particles gives 170 plus p. अब p हम proton को denote करते हैं, where alpha is an alpha particle contains two protons and two neutrons and p is a proton. द हाइड्रोजन न्यूक्लियस वॉज लेटर नेम्ड प्रोटॉन, मतलब इसे पहले हाइड्रोजन न्यूक्लियस कहा जाता था लेकिन बाद में इसे प्रोटॉन नेम कर दिया गया, एंड रिकॉग्नाइज्ड एज वन ऑफ द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द एटॉमिक न्यूक्लियस, मतलब इसको एक तरह से बिल्डिंग ब्लॉक माना जाता है न्यूक्लियस का। इसी से तो मिलकर न्यूक्लियस बनता है, इससे और न्यूट्रॉन से मिलकर, लेकिन न्यूट्रॉन की डिस्कवरी तो अभी हुई नहीं है, अभी हम ये मान के चलेंगे कि प्रोटॉन से ही न्यूक्लियस बना है। अब डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन देखते हैं, यहाँ पर न्यूट्रॉन डिस्कवर हुआ। अब जैसे इलेक्ट्रॉन जे.जे. थॉमसन ने किया, प्रोटॉन रदरफोर्ड ने किया, तो न्यूट्रॉन जेम्स चैडविक ने किया। ये सब नाम याद रखिएगा। द ब्रिटिश फिजिसिस्ट सर जेम्स चैडविक डिस्कवर्ड न्यूट्रॉन्स इन द ईयर 1932। ही वॉज अवार्डेड द नोबेल प्राइज इन फिजिक्स इन द ईयर 1936 फॉर हिज डिस्कवरी, इसके लिए उनको नोबेल प्राइज दिया गया था। It is important to note that the neutron was first theorized by Ernest Rutherford in the year 1920. James Chadwick fired alpha radiation at beryllium from a polonium source. This led to the production of an uncharged penetrating radiation. मतलब उससे एक uncharged radiation निकला जो penetrate करके निकल रहा था। अब uncharged मतलब neutral है। This radiation was made incident on paraffin wax, a hydrocarbon having a relatively high hydrogen content. Paraffin wax मतलब एक hydrocarbon होता है जिसमें बहुत ही ज़्यादा hydrogen का content होता है. The protons ejected from the paraffin wax were observed with the help of an ionization chamber. The range of the liberated protons was measured and the interaction between the uncharged radiation and atoms of several gases was studied by Chadwick. He concluded that the usually penetrating radiation consists of uncharged particle having the same mass as a proton. These particles were later termed as neutrons. अब इसने पाया कि जो radiation निकल रहा है उसका कोई mass तो proton के बराबर है, लेकिन उसमें कोई charge नहीं है। जैसे proton में तो plus charge होता है, इसमें कोई charge नहीं है, तो इसको neutron नाम दिया गया। तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन से ही मिलकर न्यूक्लियस बनता है जिसे हम न्यूक्लियॉन्स कहते हैं। अब एक क्विक रिवीजन करते हैं, तीनों के बीच का कंपैरिजन देखते हैं। व्हेनेवर वी रब टू ऑब्जेक्ट्स टुगेदर दे बिकम इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड, दिस इज बिकॉज एटम्स कंटेन चार्ज पार्टिकल्स इन देम, देयरफॉर एटम्स कैन बी डिवाइडेड फर्दर इनटू पार्टिकल्स दैट इज प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन। प्रोटॉन्स वर डिस्कवर्ड बाय अर्नेस्ट रदरफोर्ड
इलेक्ट्रॉन वर डिस्कवर्ड बाय जे जे थॉमसन और न्यूट्रॉन वर डिस्कवर्ड बाय जेम्स चैडविक। अब ये नाम याद रखिएगा और कैसे डिस्कवर हुआ वो भी याद रखिएगा। अब कुछ प्रॉपर्टीज तीनों की देखते हैं। जैसे इलेक्ट्रॉन कहाँ होता है, न्यूक्लियस के बाहर होता है ऑर्बिट में, उस पर चार्ज होता है -1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम और उसका यूनिट चार्ज होता है -1 और उसका मास होता है AMU में 0.00055 और ग्राम्स में होता है 0.00091 × 10⁻²। प्रोटॉन न्यूक्लियस में होता है, मतलब एटम के अंदर जो न्यूक्लियस होता है उसका चार्ज इलेक्ट्रॉन का जस्ट ऑपोजिट होता है, मतलब मैग्नीट्यूड उतनी ही होती है बस साइन चेंज होता है प्लस में, और उसका यूनिट चार्ज भी +1 होता है और उसका मास हाइड्रोजन के 1837 टाइम्स हैवियर होता है, मतलब 1.00727 AMU और ग्राम्स में उसका मास होता है 1.67 × 10⁻²। ग्राम्स। अब न्यूट्रॉन भी न्यूक्लियस के अंदर होता है लेकिन उस पर चार्ज जीरो है, उस पर यूनिट चार्ज भी जीरो है और उसका मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज भी जीरो है, मतलब वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। उसका मास प्रोटॉन के बराबर होता है AMU में भी और ग्राम्स में भी। एटम्स कंसिस्ट ऑफ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन्स इन अ बैलेंस प्रोपोर्शन, मतलब एटम्स में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन बैलेंस प्रोपोर्शन में होते हैं, मतलब हम ये भी कह सकते हैं कि जितने प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन होते हैं, जैसे 8 प्रोटॉन है किसी में तो जैसे 8 है तो उसका एटॉमिक नंबर भी 8 हो जाएगा, मतलब कि ऑक्सीजन। प्रोटॉन एग्जिस्ट इन द इंटीरियर्स ऑफ द एटम एंड इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट इन द एक्सटीरियर्स ऑफ द एटम, देयरफॉर इलेक्ट्रॉन्स कैन बी रिमूव फ्रॉम एन एटम। अब प्रोटॉन तो न्यूक्लियस के अंदर होता है तो उसे निकालना तो बहुत मुश्किल है, इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करते हैं इसीलिए एटम्स अपने इलेक्ट्रॉन को देते हैं और दूसरों के इलेक्ट्रॉन्स को लेते हैं केमिकली कंबाइन करने के लिए। तो आज के लेसन में हमने क्या क्या देखा, स्ट्रक्चर ऑफ एटम में हमने डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन देखा, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन देखा और डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन देखा और क्विक रिविजन किया तीनों के बीच के कंपेरिजन का। अब नेक्स्ट क्लास में हम एटॉमिक मॉडल्स को देखेंगे, मतलब कितने टाइप के एटॉमिक मॉडल्स आए थे, तो आप इसे रेफरेंस बुक से अपनी रिवाइज करेगा इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की प्रॉपर्टीज और डिस्कवरी को, और इस लेक्चर को दोबारा से देख के समझने की कोशिश करिएगा। सो आई होप यू हैव एंजॉयड द लेसन, थैंक यू वेरी मच।